दिल कर रहा है बर्गर खाने का। अभी हम जा रहे हैं टवा बर्गर खाने। हम इस टाइम यहाँ पे, हमने जाना यहाँ पे, लगेंगे हमें 34 मिनट्स। घर से निकल गए हैं, हम घर से निकले हैं तो ये बादल आ गए। अगर आपको कैमरा इंसाफ करके दिखा रहा हो तो बड़े मज़ेदार। ये है गली बनिया का बाजार, ये दरबार। शहर में रहने का ये फ़ायदा कि आपका फास्ट फूड खाने पर दिल करे तो आप खा सकते हैं इजीली। यहाँ पे आपको फास्ट फूड खाने का दिल करे तो आपको एक घंटा कम से कम या डेढ़ घंटा ऊपर आने तक वापस गाड़ी चलानी पड़ती है, पर बर्गर हम फिर भी खाएंगे। ये सारे टूरिस्ट वापस जा रहे हैं अभी एक्टाबाद की तरफ, तो लाइनों में लग के जाना पड़ा है हमें भी, देखिए फिर ट्रैफिक ब्लॉक हो गई। कोई 15 मिनट हो गए हैं, वो आगे एक ट्रक जा रहा है अभी तो उस तरफ चला गया, नज़र नहीं आएगा। तो ये वो मुहावरा कंप्लीट हो गया यहाँ पे कि हम लोग ट्रक की बत्ती पीछे लगे हुए हैं। ये है जी एबटाबाद का जुगियाँ बाज़ार, ये कुछ भी बंद पड़ा हुआ है, बड़ा बाज़ार है ये भी, जुगियाँ बाज़ार है। ये मरी रोड है जिस पर हम ट्रैवल कर रहे हैं, और बड़ा मुश्किल ट्रैवल कर रहे हैं क्योंकि सारा एक का तीसरा दिन है और सारा लोड है इस रोड पे। जो लोग ठंडियानी से वापस आ रहे हैं, जो लोग मरी जा रहे हैं, नथिया गली से वापस आ रहे हैं, जो भी है सब कुछ इसी रोड पे है। ये आ गया मानसरा रोड, मेन रोड है एबटाबाद, इस पर भी काफ़ी रश। अब ये जो वापस जा रही हैं गाड़ियाँ, ये वो गाड़ियाँ हैं जो लोग सवात, कहान, नरान, चाइना बॉर्डर तक जो गए हुए हैं वो यहाँ से गुजर के जाते हैं। एक ये रास्ता है और एक अब एक ऑल्टरनेट रास्ता बन चुका है जो कि मोटरवे है, हज़ारा मोटरवे वहाँ से जाता है। ऐसे ज़्यादातर लोग अभी भी यहाँ से जाना प्रेफर करते हैं क्योंकि यहाँ से खाने पीने के लिए काफ़ी कुछ मिल जाता है, साथ वो भी काम चलता रहता है। सारी लाइट्स नज़र आ रही हैं गाड़ियों की जो आ रही हैं। गूगल मैप्स बता रहा था 35 मिनट्स, पता नहीं, याद नहीं है मुझे। बरल हमें लगा है पूरा एक घंटा ट्रैफिक की वजह से। पहुंच चुके हैं वो PTP, अब ऑर्डर करते हैं फिर देखते हैं कितना टाइम लगाते हैं ये। ये है CST एबटाबाद, ईद की वजह से बंद है। काफ़ी टेस्टी बर्गर है, अभी हम लोगों ने बर्गर खा लिया, काफ़ी मज़ा आया। बंदा जंगल से आके इस तरह की कोई चीज़ खाए ना डबल मज़ा आता है जी। एबटाबाद का जदून प्लाजा, यही सिर्फ एक स्टैंडर्ड की मार्केट है पूरे एबटाबाद में। इसके तीन फेजेज हैं वैसे, ये फेज़ नंबर 2 है, इसी तरह के तीन बने हुए हैं। जो भी सही खाने पीने की और कपड़ों के ब्रांड्स हैं वो सिर्फ यही हैं पूरे एबटाबाद में। जदून प्लाजा अभी तो खैर बंद पड़ा हो, ईद की छुट्टियाँ चल रही हैं यहाँ पर भी। अभी यहाँ से मैंने करनी है ग्रोसरी, फिर हम जाएंगे ऊपर पहाड़ों की तरफ। तुम चले आओ पहाड़ों की कसम,
कल वाले व्लॉग में भी मैंने आपको दिखाया था, ये वही जंगल है, ये फेंसिंग। अभी हम रवान दवा हैं ऊपर की तरफ, घर की तरफ। हमारे यहाँ से लगेंगे कोई 40 मिनट कम से कम। अगर ये जो ऊपर से ठंडियानी से रश आ रहा है गाड़ियों का, वो भी अभी वापसी पे मिला तो फिर ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर ना मिला अल्लाह करे तो फिर कम टाइम लगेगा हमारा। ये है इलियासी मस्जिद एबटाबाद, जिसका कि चांद के साथ सीन इस टाइम काफ़ी प्यारा आ रहा है। शीशा मेरी गाड़ी का काफ़ी गंदा है, थकावट मुझे काफ़ी है, वरना रुक के यहाँ पे ब्लॉग बनाता। पर है यहाँ पे कुछ खास नहीं है, एक तो पानी है। यहाँ पे पानी लोग कहते हैं कि बड़ा अच्छा पानी है, कोई आपको प्रॉब्लम वगैरह हो तो पानी, आप पानी से मुँह धोएं। ये पकौड़ों की शॉप्स हैं यहाँ पे, पकौड़े और पानी, ये दो चीज़ें ही फेमस हैं बस। ये लोगों ने गाड़ियाँ गलत लगाई होती हैं, ये भी फेमस चीज़ है यहाँ पे। हम लोग पहुँच चुके हैं तकरीबन वो आ गया सामने ठंडियानी वाला कट। स्पेशल बर्गर खाने आए थे नीचे, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। अब ये सीधा चला जाता है नथिया गली और मरी के रोड, हमने जाना इधर लेफ्ट हैंड पे ठंडियानी की तरफ। अभी 11:30 हो गए तकरीबन और हम पहुंच चुके हैं, अल्लाह खैर करे, गली बनिया बाजार पे। उसामा भाई शॉप बंद करके जा चुके हैं। उसामा भाई ने अपनी शॉप का नाम चेंज कर दिया यार, उन्होंने नाम रख दिया मुर्शद सुपर स्टोर। अच्छा जी, आपको दिखाऊं किधर जाना हमने, नजर आएगा कि नहीं आएगा। इधर जाना ऊपर, हाइट चेक करें। यहाँ कहीं पे नीचे शादी हो रही है किसी की, शायद कैप्चर हो जाए आवाज़। फुल पश्तो गाने लगे हुए हैं और ये फुल मून नाइट, कमाल का सीन है यार ये। पहाड़ी इलाके में बंदा दिन से ज़्यादा रात को एंजॉय करता है। मिल्क शेक का ग्लास हो, चांद फुल मून हो और ये व्यू हो। मेरा फेस तो नहीं आपको नज़र आ रहा होगा, पर आज फुल मून नाइट है, बड़ा ज़बरदस्त माहौल बना हुआ है। मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में आपके साथ, अल्लाह हाफिज़।